जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे महा इंद्रजाल सीखें यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वे लोग कृपया चैनल पर जाकर सभी वीडियो देख लें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप आसानी से सिद्धि प्राप्त कर सकें। मैं आपको इंद्रजाल विद्या सिखाने का वादा करता हूँ। ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है, कृपा करके इस वीडियो से बच्चे दूर रहें। यह वीडियो सिर्फ आपके जानकारी के लिए बनाया गया है। विद्या का प्रयोग अपनी सूझबूझ से करें, हमारी किसी भी प्रकार के हानि लाभ की जिम्मेदारी नहीं होगी या हमारे चैनल की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारा मकसद किसी को हानि पहुँचाना नहीं है, सिर्फ जानकारी देना है। आप जब भी पूजन सिद्ध साधना प्रारंभ करें तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह जरूर ले लें और आशीर्वाद जरूर ले लें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप हमारी किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसे आग का प्रयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है, किसी का घर जलाने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यह विद्या मैंने आप लोगों को जानकारी दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी का घर उजाड़ दें या आप खुद डूबकर आत्महत्या कर लें। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? हम दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप जहाँ कहीं भी होंगे आप सुरक्षित होंगे, यही दिल से दुआ देता हूँ, आपकी फैमिली सुरक्षित हो। तो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, हमने आपको विस्तार पूर्वक पूजन के पहले की सामग्री जो होती है वो मैंने सब करके दिखाया। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको पूजन करके दिखाएंगे और मंत्र सिद्ध करके दिखाएंगे, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो भक्तों, जो भी मेरे भक्त चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। भक्तों, आपको सबसे पहले ले लेना है पीली सरसों। तो ये देखिएगा भक्तों, ये मेरे पास पीली सरसों है। तो ये मैंने बाएं हाथ पे भक्तों, ये मैंने पीली सरसों रख लिया अपने बाएं हाथ पे। ये देखिएगा भक्तों, आपको मात्र पीली सरसों इतनी लेना है और एक चुटकी ले लेना है करीब। फिर भक्तों, पीली सरसों लेकर के आपको ये मंत्र बोलना है। तो उत्तर बांधो, दक्षिण बांधो, बांधो मरी मसानी, डायन भूत के गुड़ बांधो, बांधो कुल परिवार, नाटक बांधो, चाटक बांधो, बांधो भुइयां बैठा, नजर गुजर दे फेरो, राम दुआई फेरो। बस आपको यही मंत्र बोल करके। तो भक्तों, ये मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगा, ये आप लिख करके रख लीजिएगा और फिर आप जब भी पूजन प्रारंभ करें तो आपको यही मंत्र बोल करके, और फिर ये जो पीली सरसों है, यही पीली सरसों के ऊपर आपको तीन बार फूंक मारना है। और फिर फूंक मार करके, तो चलिए पहले मैं इस पे फूंक मार लेता हूँ। यही पीली सरसों को आपको लेकर के और फिर अपने चारों तरफ इसको फेंक देना है, ऐसे फेंक देना है, ऐसे फेंक देना है, ऐसे फेंक देना है और अपने चारों तरफ से ये इसको ऐसे फेंक देना है, ठीक है भक्तों। और फिर आपको क्या करना है वो मैं आगे बता रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। फिर भक्तों, आपको एक आटे के दीपक बना लेना है। तो ये देखिएगा, ये मैंने पहले से दीपक बना लिया है। और फिर हमें यहाँ रख लेना है इस शिवलिंग के पास में। और फिर भक्तों, हम इस नौ ग्रह की पूजा करेंगे सबसे पहले। तो भक्तों, ये नौ ग्रह की पूजा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। और फिर ये नौ ग्रह मंडल पूजा करने के बाद में फिर आपको कुंभ स्थापना की पूजा करना है। ये कुंभ स्थापना की पूजा का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर दे रखा है, तो भक्तों आप लोग चैनल पर जा करके और फिर आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ये मैं आगे की प्रक्रिया अब आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा भक्तों, ये मैंने नौ ग्रह मंडल की पूजा कर लिया है और कुंभ स्थापना की भी पूजा कर लिया है। अब आगे हमें शिव शंकर की पूजा करना है और गौरी गणपति की पूजा करना है। तो भक्तों, ये सबसे पहले भक्तों, ये मैंने यहाँ पे त्रिशूल स्थापित कर दिया है और इसमें मौली मैंने ये पहले से लपेट करके रख दिया था कि जिससे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना पड़े। तो ये मैंने त्रिशूल भी स्थापित कर दिया है, देखिएगा। और फिर हम यहाँ पे घी डालेंगे, ये मैंने घी डाल दिया है। तो देखिएगा भक्तों, ये मैंने इस दीपक में घी डाल दिया है और एक बाती भी रख दिया है। और अब इस बाती को मैं जला दूंगा दीपक को, तो इसके लिए ये मैंने माचिस ले लिया है और
इस दीपक को हम जला दे रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये देखिएगा भक्तों, ये मैंने दीपक भी जला दिया है और फिर मुझे जलाना है अगरबत्ती, तो ये मैंने अगरबत्ती ले लिया है। देखिएगा भक्तों, ये आपको भक्तों यहाँ पे आपको 11 अगरबत्ती जलाना है, तो अभी मैं 11 अगरबत्ती को यहाँ जला लेता हूँ, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो देखिएगा भक्तों, ये मैंने 11 अगरबत्ती ले लिया है और इस पैकेट को हम रख देते हैं अलग, और इन 11 अगरबत्तियों को हमें जला लेना है। देखिएगा भक्तों, ये मैं अगरबत्ती जला ले रहा हूँ, तो आप लोग एक एक पार्ट को आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक वीडियो है, और यदि आप स्किप कर देंगे तो ये आपसे जानकारी मिस हो सकती है। तो इसको ध्यान रखना, जब ये सारी अगरबत्ती जल जाएं तो आपको ऐसे हिला करके और इन्हें बुता देना है, यानी कि आग बुत जाए। तो ये देखिएगा भक्तों, ये मैंने अगरबत्तियों को बुता दिया है, और इन्हें रखने के लिए ये मेरे पास भक्तों इसको रखने के लिए है। तो ये देखिएगा, इसमें हमें ऐसे रख देना है। ये मैंने अगरबत्तियाँ भी लगा दिया है, और इसके बाद में भक्तों, और फिर आपको 5 पान ले लेना है। तो ये देखिएगा भक्तों, ये मेरे पास 5 पान हैं, तो इनको आपको ऐसे रख लेना है आगे की तरफ। आपको इसके ऊपर एक एक बतासा रख देना है। तो ये देखिएगा, मैंने बतासे रख दिया है, आपको सेम ऐसे ही करना है। इसके अलावा आप कोई भी अगर कोई अगर जानकारी देता है तो आप लोग उसको अपने ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम किसी को आग्रह नहीं कर रहे हैं कि आप यही काम करिए। और फिर भक्तों, आपको लौंग ले लेना है, तो ये मैंने लौंग भी ले लिया है। ये लौंग भक्तों आपको फूल वाली ले लेना है, देखिए जिसमें फूल होना चाहिए, तो इसमें फूल है, तो मैंने एक एक जोड़ा रख देता हूँ। देखते रहिएगा आप लोग। और फिर भक्तों, ये मैंने इस लौंग रख दिया है, और फिर आपको ले लेना है हल्दी। ये हल्दी की गांठ जो है, वो एक एक हल्दी की गांठ रख देना है। देखिएगा, ऐसे एक एक हल्दी की गांठ भी रख देना है। और फिर भक्तों, आपको ले लेना है एक एक सुपारी। तो देखिएगा, ये मैंने सुपारियाँ भी ले लिया है, ये भी आपको रख देना है। पांच पान स्थापित किए हैं, इन 5 पानों को आपको एक उठा करके या हवन कुंड के पास ऐसे रख देना है। और जो भक्तों, ये शेष 4 पान हैं, तो इनको आपको इधर उधर चारों दिशाओं में रख देना है। तो ये मैंने अपने उत्तर की साइड पे रख दिया है, तो ये देखिएगा। और ये आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में अपने चारों तरफ रख देना है। तो ये मैंने अपने चारों तरफ रख दे रहा हूँ। तो देखिएगा भक्तों, ये मैंने अपने चारों तरफ से रख दिया है। और फिर आपको ये मिट्टी के बर्तन ले लेना है, छोटे वाले 5। तो ये देखिएगा, ये भक्तों 5 मिट्टी के बर्तन हैं, इसमें आपको कड़वा तेल इसमें डाल देना है। ये देखिएगा भक्तों, ये सरसों का तेल है, तो इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। और ये दीपक भक्तों आपकी बुतनी नहीं चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। आप जब तक साधना करें, जब तक पूजन करें। तो ये देखिएगा भक्तों, ये मैंने इस पर एक एक दीपक भी रख देते हैं, रुई की बाती। और भक्तों, ये जब भी आप साधना करें, मंत्र सिद्धि करें या कोई भी साधना करें, जब आंधी तूफान न चलता हो उसी वक्त आपको करना है, क्योंकि अगर आपकी दीपक बुत जाती है या बंद हो जाती है तो ये समझ लें आपकी साधना जो है वो व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए आपको जब भी पूजन करें तो आप एक शांत वातावरण में ही करें, ये जिससे आपकी पूजा में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आ सके। तो ये देखिएगा भक्तों, ये मैंने इसमें बातियाँ भी रख दिया है,
और फिर अब मुझे इनको जला लेना है। तो इसके लिए देखिए भक्तों, ये मैंने पांचों दीपक को जला लिया है। और अब एक एक दीपक उठा करके, फिर भक्तों आपको ये पांचों दीपक में से एक एक उठा करके आपको अपने चारों तरफ रख देना है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया एक है, और एक यहाँ पे रख दिया है, अपने चारों तरफ से रख देना है। तो इन देखिए भक्तों, ये मैंने अपने चारों तरफ से रख दिया है। और फिर आपको भी पूजन करना पड़ेगा, और जो एक बचा है भक्तों, इसको आपको यहाँ बीच में रख देना है, ठीक है। और उसके बाद में भक्तों आपको ले लेना है अगरबत्तियाँ, और ये अगरबत्ती लेकर के आपको दो दो अगरबत्ती आपको इधर उधर चारों तरफ लगा देना है। तो मैं अगरबत्तियों को ले रहा हूँ। देखिएगा भक्तों, ये मैंने 8 अगरबत्तियाँ ले लिया है, और इसको मैं बुता ले रहा हूँ। और अब इनको दो दो अगरबत्ती अपने चारों तरफ से लगा लेना है। वो देखिएगा भक्तों, ये अपने चारों तरफ से दो दो अगरबत्तियाँ लगा रहा हूँ। तो ये भक्तों, जब अगरबत्तियाँ लग जाती हैं तब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। वो देखिएगा भक्तों, ये मैंने अपने चारों तरफ से दो दो अगरबत्तियाँ भी लगा लिया है। और अब आपको शिवलिंग की पूजा करना है। ये मैं बेलपत्री इस पर रख दे रहा हूँ शिवलिंग पर। तो आप लोग देखिएगा, बेलपत्री मैंने रख दिया है। और तो भक्तों ये देखिएगा, ये मैंने दो धतूरे के फल ले लिए हैं। तो इस पूजा में भक्तों आपको किसी अन्य प्रकार के फल नहीं स्थापित करना है, ये सिर्फ धतूरे के ही फल लगेंगे। तो इसीलिए मैं धतूरे के फल ले लिए हैं और इन्हें रख दिया है। और फिर भक्तों आपको पुष्प ले लेना है, और इन पुष्पों को इस शिवलिंग पर रख देना है। तो देखिए भक्तों, ये मैंने सफ़ेद फूल ले लिए हैं। तो इसी प्रकार से भक्तों आपको भी ले लेना है, और इन्हें हर जगह पर रख देना है। तो ये मैं अपने चारों तरफ भी रखे दे रहा हूँ। देखिएगा भक्तों, ये मैंने पुष्प भी रख दिया है। और अब हमको थोड़ा सा गुलाल ले लेना है। ये मैंने देखिएगा गुलाल ले लिया है, और इस गुलाल को भक्तों आपको हवन के पास में रखना है, हवन कुंड के पास में। ये आपको एक ही जगह पे आपको रखना है। ये आपको थोड़ा सा रख देना है, और फिर आपको और कुछ नहीं करना है इससे। और भक्तों आपको रोली ले लेना है। तो रोली को देखिएगा भक्तों, आपको रोली को ऐसे लगा देना है, और कलश पे भी लगा दिया है मैंने। हर जगह पे आपको लगा देना है, अपने चारों तरफ से लगा देना है। तो देखते रहिए आप लोग। और भक्तों, रोली लगाने के पश्चात में बाद में आपको बंधन ले लेना है। तो ये देखिएगा, बंधन है मेरे पास। तो इसको भी मैं यहाँ पे टीका लगा देता हूँ। तो भक्तों, मैंने बंधन को भी लगा दिया है। और फिर आपको भक्तों कलावा ले लेना है। तो ये मैंने कलावा ले लिया है, देखिएगा आप लोग। ये देखिएगा भक्तों, ये मैंने कलावा ले लिया है। और इस कलावा से आपको हल्का सा काट करके आपको हवन कुंड के पास केवल रखना है, ठीक है भक्तों। तो ये हवन कुंड के पास में यहाँ पे रख देना है, इस गुलाल के पास। तो ये गुलाल के पास रख दिया है। और ये जो मिट्टी का बर्तन है भक्तों, ये देखिएगा, इसके आपको चारों तरफ से आपको लपेट देना है। तो ये देखिएगा, मैंने इसको इसके चारों तरफ से इसे लपेट दिया है अच्छे तरीक़े से लोगों। और भक्तों, इसको ऐसे स्थापित करके और आपको यहाँ पे स्थापित कर देना है, ठीक है। और एक बर्तन और मिट्टी का ले लेना है, ये देखिए इस प्रकार का, इसको ऊपर ऐसे रख देना है। इसका अभी आगे काम है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और फिर आपको ये ले लेना है सेंट। तो देखिएगा, ये मैंने इतर ले लिया है, ये हमारे पास पहले से मौजूद थी। तो ये देखिएगा भक्तों, ये मैंने ये सेंट ले लिया है। तो इसको अपने चारों तरफ से इसको ऐसे डाल देना है। तो मैं अपने चारों तरफ से इसको डाले दे रहा हूँ। और तो भक्तों, आपको ये सेंट को आपको अपने ऊपर भी डाल लेना है। ये अपने ऊपर भी मैं डाल ही ले रहा हूँ, तो देखिएगा। और फिर
इसे मैं रख दे रहा हूँ, मान लो।